आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पहला फैक्टर मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर इफेक्ट करती है। मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज़्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। मेटल की स्प्लिटिंग को दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो होता है नेचर ऑफ मेटल आयन। तो 5D में स्प्लिटिंग हमेशा 4D और 3D से ज़्यादा होती है क्योंकि 5D में एनर्जी का गैप कम होता है। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया होगा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस कम होता जाता है और स्प्लिटिंग बढ़ती जाती है। फिर तीसरा फैक्टर हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं और वीक लिगेंड की स्प्लिटिंग कम होती है। और फोर्थ फैक्टर भी हम ऑलरेडी पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू कम होती है किसके कंपेरेटिवली, ऑक्टाहेड्रल के कंपेरेटिव। कितनी काम होती है, 4/9 काम होती है, 4/9 काम होती है। अब हम ड्रॉबैक्स ऑफ CFT पढ़ेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ CFT में क्या है, क्योंकि लिगैंड को CFT में पॉइंट चार्ज मानते हैं इसलिए हमें देखकर लगता है कि जो नेगेटिवली चार्ज डिनाइन होंगे उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी न्यूट्रल से, लेकिन होता है उल्टा। OH- एक नेगेटिव लिगैंड है लेकिन इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अमोनिया और H2O दोनों से ही कम है। ये 12th क्लास के एग्ज़ाम में आ सकता है या कॉम्पिटिटिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो देखो OH की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है जबकि ये नेगेटिव चार्ज है। इस बात को CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्यों, और इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं लिगैंड फील्ड थ्योरी के हेल्प से, और लिगैंड फील्ड थ्योरी को पर हम अभी नहीं पढ़ सकते। अब हम पढ़ेंगे CFC, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है कि CFC की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो CFC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम EG इलेक्ट्रॉन के नंबर को यहाँ लिख देंगे अगर कोई है, फिर T2G की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को यहाँ लिख देंगे और उनको 0.4 से इंटू कर देंगे, जबकि EG के इलेक्ट्रॉन को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने उसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर बन जाएंगे उनको बाद में प्लस करके ऐड कर देंगे। तो मतलब EG इलेक्ट्रॉन में से T2G को माइनस करेंगे। अब CFC की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और हम देखते हैं इसको D1 में। जब हम D1 कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बनाते हैं तो हमको वो डायग्राम ऐसा दिखता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, T2G में ही जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, जब इसमें जाएगा तो EG में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 हो जाएगी, T2G में 1 हो जाएगी, पेयर है नहीं इसलिए टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4। जब हम वीक लिगैंड के केस में जाएंगे तो यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, EG इलेक्ट्रॉन है नहीं और एक इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा और पेयर है नहीं इसलिए इसकी भी एनर्जी बराबर होगी। तो हमने क्या सीखा कि D1 में चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो वैल्यू सेम रहती है, और ऐसा 3 तक चलता है जो हम देख सकते हैं आगे। यह हमारे पास D2 कॉन्फ़िगरेशन है और D2 कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है जो T2G में जाएंगे, और वीक लिगेंड वाले केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो वो भी T2G में जाएंगे। तो EG इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं, T2G इलेक्ट्रॉन 2 थे, हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव में 0.8 आ गया क्योंकि वीक फील्ड में भी सेम आ रहा है इसलिए दोनों की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी सेम हो। इसका मीन्स फिर क्या हुआ कि D2 में भी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी सेम होगी। अब हम चलते हैं D3 की तरफ। D3 में हम देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों ही T2G में फुलफिल हो जाएंगे और ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होता है उसमें जॉन टेलर इफेक्ट कभी नहीं होता, तो D3 में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। अब CFC कैसे निकालेंगे, CFC निकालने के लिए T2G इलेक्ट्रॉन को 0.4 से इंटू कर देंगे, पेयर है नहीं तो टोटल वैल्यू आ जाएगी -1.2।
अब हम चलते हैं वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड में भी सिमेट्री है, इसलिए इसमें भी जॉन टेलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। और सी एफ सी निकालने के लिए 3 को उससे इंटू करेंगे तो इसकी भी वैल्यू -1.2 आ जाएगा। इसका मींस क्या हुआ, D1, D2 और D3 में सी एफ सी की एनर्जी बराबर होती है। अब हम चलते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जब हम D4 कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग करेगा। क्यों? EG की एनर्जी स्ट्रांग फील्ड में ज़्यादा होती है। तो अब फिर से T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और EG में 0। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 1.6 आ गया, एक पेयर भी बन गया इसमें। आप देख सकते हैं ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए हमने 1 पेयर को इसमें ऐड कर दिया और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी आ गई। अब हम चलते हैं वीक लिगेंड के केस में। वीक लिगेंड में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 में से 3 तो T2G में फिल हो जाएंगे, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ईजी में एंटर कर जाएगा क्योंकि दोनों के बीच की एनर्जी का गैप कम होता है। तो अब हम देख सकते हैं ईजी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हमने इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है, पेयर कोई है नहीं, तो टोटल सम 0.6। मतलब D4 वाले केस में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सीएफ से ज़्यादा हो। अब हम चलते हैं D5 की तरफ। D5 में हमारे सामने फिर डायग्राम है, हम फिर से देख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट 3 तो इधर ही फिल हो जाएंगे और अगले 2 भी इधर ही भर जाएंगे क्योंकि ऊपर जाना इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कितने पेयर बन गए, इसमें 2 पेयर बन गए जो आप देख सकते हैं। तो ये 2 पेयर आपको समझ आ गए होंगे। ईजी इलेक्ट्रॉन है नहीं, T2G इलेक्ट्रॉन कितने हैं, T2G इलेक्ट्रॉन है 5, इसलिए 4 से इंटू किया तो -2.0 प्लस 2 पेयर आएगा। अगर हम इसी को वीक लिगेंड के केस में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे क्योंकि वीक वाले में पहले पेयरिंग नहीं होती, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन ईजी में चले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ईजी में हो जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन T2G में हो जाएंगे और टोटल सम इसका 0 आएगा। मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन में वीक लिगेंड के केस में CFC 0 आएगी और जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में -2 प्लस 2 पेयर आएगी। इसका मींस क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब हम चलते हैं D6 कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जब हम D6 कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो अब 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन यहीं चले जाएंगे और अगले 3 भी यहीं पर पेयर बना लेंगे। तो D6 के केस में टोटल पेयर की नंबर 3 हो जाएगी जो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ईजी में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ईजी में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो सारे के सारे T2G इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2.43 P, जो सबसे ज़्यादा CFC की एनर्जी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना कॉम्पिटिटिव के लाइक कि किस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो D6 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका एग्जांपल है कोबाल्ट NH3-6। इसलिए NCERT में क्वेश्चन है कि जब कोबाल्ट से 6 अमोनिया बनते हैं तो इसका कोबाल्ट प्लस 2 कॉन्फ़िगरेशन 3 में बदल जाता है क्योंकि D6 में कोबाल्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अब हम चलते हैं वीक लिगेंड वाले केस में। वीक लिगेंड वाले केस में 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट फिलिंग यहाँ होगी, सेकंड फिलिंग यही होगी और थर्ड भी यही होगी, फोर्थ यहाँ जाएगा, फिफ्थ यहाँ जाएगा और 6th इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। कि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए कि वीक लिगेंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है, तो 6th इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। हमने देखा T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और EG में 2, और पेयर कितने बन गए, 1, सबका सम किया तो 0.41 P आया, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के D6 केस में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाएगा।
अब हम चलते हैं डी सेवन कॉन्फिग्रेशन में। डी सेवन कॉन्फिग्रेशन हमारे सामने है तो सेवन इलेक्ट्रॉन है तो फिलिंग कैसे होगी, पहले सिक्स इलेक्ट्रॉन तो टी टू जी में ही फिलफिल हो जाएंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो जाएगा। अब पहली बार इसमें एक ईजी इलेक्ट्रॉन आया है तो हमने उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 टी टू जी इलेक्ट्रॉन और तीन पेयर को मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं सी एफ सी की वैल्यू -1.8 प्लस 3 पेयर है। जबकि वीक लिगेंड वाले केस में इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स और सेवेंथ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो ई जी इलेक्ट्रॉन दो हैं, टी टू जी इलेक्ट्रॉन हो गए 5, सबका सम किया, फिर हमने देखा कि इसकी सी एफ सी वैल्यू कम आ रही है, इसलिए डी सेवन भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आया हमारा डी एट कॉन्फिग्रेशन। डी एट कॉन्फिग्रेशन में अगर हम सी एफ सी की वैल्यू निकालें तो हम देख सकते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो कैसे फिल होंगे, फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलिंग हो जाएगी और सेवेंथ और एट्थ इलेक्ट्रॉन की ई जी में एंट्री हो जाएगी। अब हमारे पास ई जी इलेक्ट्रॉन दो हो गए हैं जबकि टी टू जी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, पेयर 3 हैं, इसलिए टोटल सी एफ सी की वैल्यू -1.2 प्लस 3 लॉन पेयर या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ले जब हम इसी को वीक लिगेंड के केस में पढ़ेंगे तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, ठीक है ना, दोनों में ही बराबर पेयर हैं। तो अब सी एफ सी वापस से सेम आने लगेगी, मतलब डी एट डी नाइन और D10 कॉन्फ़िगरेशन में CFC की वैल्यूज दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए सेम आएगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि D8 कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं ये फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है, लेकिन और ये भी हाफ फिल्ड है और ये भी हाफ फिल्ड है, मतलब फुल सिमेट्री है। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। इससे पहले हमने देखा था दोनों के ही केस में D3 में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं D9 कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। तो D9 में 9 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाएंगे और अगले 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट यहाँ जाएगा, फिर सेकेंड यहाँ, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर अनसिमेट्री है, ये इलेक्ट्रॉन्स अकेला है और ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट प्रेजेंट होगा और सबसे ज़्यादा होता है। नीट में 2016 में क्वेश्चन आया था किस में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होता है, अब 2020 में क्वेश्चन आएगा किस में जॉन टेलर इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। हमने इसकी CFC निकाली, 3 ई जी इलेक्ट्रॉन है, 6 टी टू जी इलेक्ट्रॉन है और 4 पेयर बन गए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई -0.4 और वीक लिगेंड के केस में भी आप देख सकते हैं सेम वैल्यू है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो D9 एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जॉन टेलर इफेक्ट प्रेजेंट होगा। अब हम लास्ट चलते हैं D10 में, क्योंकि सारी D भर जाती है, सारी डी भर जाती है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारे ऑर्बिटल भरे हुए, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, जॉन टेलर इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, जॉन टेलर इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों में चार ई जी इलेक्ट्रॉन है, 6-6 टी टू जी इलेक्ट्रॉन है और 5-5 पेयर है, तो दोनों की ही सी एफ सी की वैल्यू सेम होगी। अब हम जॉन टेलर इफेक्ट को थोड़ा सा जॉन टेलर इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें भी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है उसके अंदर जॉन टेलर इफेक्ट मिलता है सिमेट्रिकल। तो लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में D1, D2, D4, D5, D7 और D9 में मिलता है, जबकि वीक लिगेंड के साथ में D1, D2, D7 और D9 में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार कॉन्फ़िगरेशन तो कॉमन है,
अब इधर देखते हैं, D3 में कभी नहीं मिलता, D8 में कभी नहीं मिलता और D10 में कभी नहीं मिलता। बच्चों को ये रट लेना चाहिए कि चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, D3, D8 और D10 में कभी भी जॉन टेलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रांग लिगेंड के साथ में D6 में नहीं मिलता, जबकि वीक लिगेंड के साथ में किस में नहीं मिलेगा, D5 में। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या सीखा कि D3, D8 और D10 में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं मिलता है, जबकि D9 में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो नीट और JEE मेंस के बच्चों को पहले D9 और D8 सीखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी D6 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में होती है। अगर आपको CFT पसंद आई है या और भी वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके।